नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी थे। बता दें कि महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जलजन अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ भी करेंगे। 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है, जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। कानपुर देहात में हुई दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें मैथा तहसील के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस मामले में अब सियासत भी जोरदार हो रही है, तो वहीं शव का अंतिम संस्कार बिठूर कराया गया और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी की टीम भी गठित की गई, जिसमें एडीजी जोन और मंडलायुक्त मामले की जांच करेंगे और पीड़ित परिवार को सरकार ने दी 10 लाख की सहायता भी दी है। कुशीनगर में जेट्रोफा का फल खाने से 20 बच्चे बीमार हो गए, जिनके बाद उन्हें सीएससी में फजल नगर भर्ती कराया गया। बता दें कि सभी बच्चों की हालत में सुधार है। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक विद्यालय के बगल में लगे पेड़ से बच्चों ने ये फल खाया था, तो वहीं सभी बीमार छात्र प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। पूरा मामला फाजिल नगर ब्लॉक के औरवा सोफीगंज का है। सूचना मिली थी कि फाजिल नगर ब्लॉक के औरवा गाँव में कुछ बच्चों ने कोई चीज खा ली है जहरीली, जिससे उनकी खास स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो मैंने तुरंत वहीं से एमओआईसी को से संपर्क करते हुए सारे बच्चों को एम्बुलेंस से अपने हॉस्पिटल बुलवा लिया। सीएससी में मैं खुद सीएससी में मौजूद हूं और सारे 20 बच्चे आए हुए हैं, जो 3 साल से आगे 10 साल तक की उम्र के बीच के हैं। और सारे बच्चों ने जेट्रोफा नाम का एक जो फल होता है उसका बीज खा लिया है, जिसकी वजह से उनको उल्टी आदि की शिकायत हो रही है। सभी बच्चे अस्पताल में चिकित्सालय में यहाँ एडमिट करा दिए हैं। सब उनका फर्स्ट प्राथमिक जांच सारा कुछ दे दिया गया, सभी बच्चे सामान्य स्वस्थ हैं। सर, ये कहां का मामला है, मतलब प्राथमिक विद्यालय बताया जा रहा है? बता दें कि खबर कुशीनगर से है, जहां जेठुवा का फल खाने से 20 बच्चे बीमार हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय फजलगंज का बताया जा रहा है पूरा मामला, जहां पर अभी बच्चों की स्थिति में सुधार आया है। बता दें कि खबर कुशीनगर से है, जहां पर फाजिल नगर में 20 बच्चों ने जेठोफा का फल खाया, जिससे वो बीमार पड़ गए, लेकिन अभी उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, देखा जाए तो जिस तरीके से 20 बच्चे बीमार पड़े हैं जेठोफा का फल खाने से, किस तरीके की अभी उनकी स्थिति बनी हुई है? आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुशीनगर जनपद के फालजीनगर ब्लॉक के औरवा सोफीगंज का बताया जा रहा है, जहां प्राथमिक विद्यालय दोपहर लंच के समय कुछ बच्चे स्कूल से बाहर स्कूल से सटे जेट्रोफा नामक पौधा लगा हुआ था और कुछ बच्चों ने जेट्रोफा के बीज को खा लिया, जहां उसकी स्थिति गड़बड़ होते देख वहां पर हेडमास्टर की मौजूदगी में सभी बच्चों को संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया,
जहां पर सभी बच्चों का इलाज कराया गया और सभी बच्चों की स्थिति में सुधार बताई जा रही है। जी, इस पूरे मामले में प्राथमिक विद्यालय का क्या कुछ कहना है? जी, इस पूरे मामले में प्राथमिक विद्यालय का कहना है कि जो बच्चे हैं वो लंच के समय बच्चे बाहर जाकर के और जेट्रोफा का बीज खा लिए थे, इसी के वजह से बच्चों की जो तबीयत है वो खराब हो गई थी और सभी बच्चों को वहां के विद्यालय के जो हेडमास्टर है उनके द्वारा सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज करवाया गया। इस बात की जानकारी, इस खबर की जानकारी होते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया जी और कसिया SDM के साथ साथ अन्य भी आला अधिकारी कसिया फालजी नगर CSC पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य के संदर्भ में जानकारियां ली है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो 20 बच्चे बीमार पड़े हैं, क्या कुछ माता पिता का कहना था? कहीं ना कहीं माता पिता का कहना है, ये जो मामला है ये विद्यालय की एक तरह से कहें तो लापरवाही सामने नजर आ रही है। ये उनके बच्चों के माता पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो विद्यालय प्रशासन है उसकी लापरवाही ये सामने निकल कर के आ रही है। हालांकि ये कुशीनगर जनपद में यूं कहें तो ये पहली घटना नहीं है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही जेट्रोफा नामक जो पौधा है उसका बीज तुर्कपट्टी के एक प्राथमिक एक विद्यालय के कुछ बच्चों ने खा लिया था और उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर। सुल्तानपुर के रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दो मालगाड़ियों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया और एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गई। आपको बताते कि वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। सुल्तानपुर जंक्शन के दक्षिणी केबिन के पास की घटना है। हरदोई में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस अधीक्षक ने नव निर्मित भव्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी किया और कोतवाली पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक को पुलिस टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी ने कहा कि पिहानी कोतवाली की तर्ज पर जनपद के अन्य थानों को भी सजाया संवारा जाएगा। थाने में आगंतुकों व पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए स्वस्थ और बेहतर स्वच्छ माहौल होना जरूरी है। औरैया में रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर बर्बाद हो गए। बता दें कि घटना के समय दुकान मालिक निमंत्रण में एक गेस्ट हाउस में गया हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मदरसा बोर्ड के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने पत्र में बताया कि पासपोर्ट के लिए मदरसे के बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ती है और मार्कशीट के वेरिफिकेशन के नाम पर दौड़ाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सारी मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, वहीं से वेरिफिकेशन हो तो बच्चों को परेशानी न झेलनी पड़े। मदरसा बोर्ड से जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता बनती है। पासपोर्ट बनवाने के जब जाते हैं विभागों में तमाम दुश्वारी झेलनी पड़ती हैं, उन्हें मार्कशीटों के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, जबकि जो मार्कशीटें हैं 2018 की, 19 की, 2020 की, 21 की, 2022 की, ये सारे मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज हैं और वहीं से वेरिफिकेशन कर ले तो बच्चों को इतनी रुसवाई न झेलनी पड़े। लगातार वेरिफिकेशन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। इस संबंध में हमने विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है और आपके जरिए से ये। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।